सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और उस कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो हम जिस विषय के संबंध में बात करने वाले हैं वह है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। आपको पता होगा अभी हम इंटर वेकेशन से पहले जब हम बात कर रहे थे तो हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में हम लोगों ने बात की थी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसके बारे में बात की, हाइब्रिडाइजेशन की संकल्पना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के नियम क्या हैं। फिर उसके बाद में हमने एक एक करके बात की हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार के संदर्भ में, और हमने पिछले बार का जो लेक्चर था हाइब्रिडाइजेशन 4 का उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर DSP3 संकरण के बारे में कुछ बातचीत करना जो है वो शुरू किया था। तो आज हम वापस जो है जो SP3D या SP3D संकरण या DSP3 संकरण जो है इसके विषय में कुछ बात करेंगे। DSP3 या SP3 संकरण, जब एक S, 3P एवं एक D कक्षक मिलकर संकरण करते हैं तो 5 sp3d संकरित कक्षक बनते हैं। When 1s3p and 1d orbital they mix together and they form 5 hybrid orbitals, it is known as sp3d or dsp3 hybridization। इस संकरण में d कक्षक कौन सा भाग लेता है इस आधार पर हम इसे दो प्रकार की आकृतियां इसमें बनती हैं। जैसा हमने पिछले बार भी इसके बारे में बात की थी, तो पहला है कि इसमें कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर दो तरह की शेप्स बनेंगी। इसमें से पहली की बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट जो है, जब एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक एस व 3p कक्षक जो है संकरण में भाग लेते हैं तो एक स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर यानी वर्गाकार पिरामिडीय संरचना जो है वो बनती है, जिसका उदाहरण जैसे निकल में है, निकल पेंटासाइनाइड जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं संकुल आयन में इस प्रकार की संरचना बनती है। तो देखिए यहां हम देख सकते हैं एक एस कक्षक, 3p कक्षक और एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक, ये तीनों कक्षक, तीनों प्रकार के कक्षक आपस में मिलके जो है वो इस प्रकार का DSP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो है उनको बनाते हैं, जो कि क्या है, वर्गाकार पिरामिडल आकृति की होती है, जिसको अपन यहाँ देख सकते हैं, और जो हमें निकल पेंटासाइनाइड में हमें देखने को मिलता है। फिर दूसरी स्थिति है जब एक एस, 3p एवं DZ स्क्वायर कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो एक त्रिकोणीय द्वि पिरामिडीय आकार के होते हैं। तो ये क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में होते हैं। इसमें तीन कक्षक एक ही तल में 120 डिग्री के कोण पर त्रिभुजाकार में होते हैं, जबकि शेष दो कक्षक एक त्रिकोण के नीचे एवं ऊपर 90 डिग्री के कोण पर लंबवत स्थित होते हैं। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है यानी त्रिकोणीय द्वि पिरामिडीय स्ट्रक्चर है। इसमें तीन कक्षक जो है वो तो एक ही तल में 120 डिग्री के कोण पर त्रिभुजाकार रूप में स्थित हैं, है ना, और दो कक्षक जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस हैं जो कि 90 डिग्री के ऊपर हैं। परमाणु का नाभिक त्रिभुज के केंद्र में होता है, और इस पूरी स्ट्रक्चर में जो मेन न्यूक्लियस है, एटम जो है वो सेंटर में होता है। त्रिभुजाकार के तीन कक्षकों को हम भूमध्यीय संकर कक्षक या इक्विटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जबकि इसके लंबवत शेष दोनों कक्षकों को अक्षीय संकर कक्षक, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो कहते हैं। देखिए यहां पर हम उसकी स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, यहां एक एस, 3p और DZ स्क्वायर कक्षक जो है वो आपस में मिलकर त्रिकोणीय द्वि पिरामिडीय संरचना जो है SP3D कक्षक जो है संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं।
अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। PCl5 के केंद्रीय परमाणु फास्फोरस का निम्नतम एवं उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो है वो निम्न प्रकार का होता है। देखिए फास्फोरस की एटॉमिक जो नंबर है वो 15 है, तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1 एंड 3dz0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फास्फोरस की जो उत्तेजित अवस्था है उसमें 3s1, 3px1, 3py1, 3py1 और 3dz2 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s 3s ऑर्बिटल से जो है उत्तेजित होकर जो है वो z में चला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में कुल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में फास्फोरस के 3s कक्षक में से एक युग्मित इलेक्ट्रॉन निकलकर रिक्त dz2 कक्षक में चला जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले 5 कक्षक बनते हैं। ये 5 कक्षक मिश्रित होकर संकरण करते हैं और इस प्रकार बने 5 sp3d कक्षक 5 क्लोरीन परमाणुओं के pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके एक त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय यानी ट्राइगोनल बायपिरामिडल PCl5 का अणु जो है वो उसका निर्माण करते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि इसमें जो है 3 Cl जो है वो एक दूसरे के साथ में 120 डिग्री के एंगल पर हैं और 2 Cl जो है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक्सिस पर हैं। इस प्रकार से ये PCl5 की जो है वो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है। अब PCl5 का यौगिक जो है वो शीघ्र विघटित हो जाता है, इसका भी कारण जो है वो हमें इसी स्ट्रक्चर में जानने को मिलता है, क्योंकि PCl5 की उपरोक्त त्रिकोण द्विपिरामिडीय संरचना नियमित नहीं है। 3 कोण 120 डिग्री के हैं और शेष 2 कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अतः PCl5 अत्यंत ही क्रियाशील यौगिक है और ठोस अवस्था में यह विघटित होकर सममित संरचनाओं चतुष्फलकीय PCl4, PCl4 प्लस एवं अष्टफलकीय PCl6 माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता इसलिए। फिर दूसरा है PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 जो है वो नहीं बनता, तो इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण हम देखते हैं कि नाइट्रोजन व फॉस्फोरस दोनों एक ही समूह के सदस्य हैं लेकिन PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता। इसका कारण यह है कि फॉस्फोरस के पास रिक्त यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है कक्षक मौजूद रहते हैं जिसमें 3s कक्षक क्रमोन्नत हो सकते हैं और फॉस्फोरस में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन का जो दूसरा कक्ष है एल कोश है उसमें कोई भी रिक्त डी कक्षक जो है वो उपलब्ध नहीं होता। इसलिए नाइट्रोजन कोई भी पेंटावेलेंट यौगिक जो है पंच संयोजी यौगिक जो है कंपाउंड उसका निर्माण नहीं करता है। फिर है POCl3 की संरचना एवं ज्यामिति, POCl3 की स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। POCl3 अणु बनने में फास्फोरस परमाणु अपने डी कक्षक का उपयोग पाई बंद बनाने में करता है। sp3 संकरण के साथ फास्फोरस परमाणु 3 क्लोरीन एवं 1 ऑक्सीजन के साथ 4 सिग्मा बंद बनाता है, जबकि इसमें क्या है फास्फोरस जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जिसमें 3 तो Cl के साथ में बनेंगे और 1 उसके ऑक्सीजन के साथ में बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, जबकि जो फास्फोरस के ऊपर जो है वो एक डी कक्षक जो मौजूद है वो क्या करता है वो ऑक्सीजन के पी कक्षक के साथ में dπ-pπ अतिव्यापन करके एक पाई बंद का निर्माण करता है और इस प्रकार से चतुष्फलकीय आकृति में POCl3 का अणु बनता है। तो देखिए हम यहाँ इसकी इस मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को हम यहाँ POCl3 की मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 3 के साथ में क्लोरीन के साथ में जो है ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 4th ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाता है और इसके अलावा फास्फोरस के ऊपर स्थित जो एक डी ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ में मिलकर क्या होता है एक
कोलेटरल ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इस तरह से डी पाई पी पाई बंध जो है वो ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के मध्य बनता है। तो इस तरह से आज हमने मुख्य रूप से डी एस पी थ्री या एस पी थ्री डी संकरण जो है एस पी थ्री डी और डी एस पी थ्री संकरण के विषय में आज हमने जाना। कल हम इसके आगे बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।